ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप जानते हो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना बड़ा शो है और इतने बड़े डायरेक्टर है. ऑनेस्टली अपना आपको नीरज पांडे जी का नाम लिखा है और बाजू में मेरा फोटो लगा है, वो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टू मी. एंड एक्चुअली मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती थी पर मैंने खुद को भी एम्बैरस कर दिया. बोलिए ना, बोलिए ना. और तभी भी बट ऑब्वियसली यू नो स्पेशल, जैसे वेब का नाम स्पेशल ऑप है वैसे ही मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट है और मेरे लिए ये वेब बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा. मतलब मैं एक्चुअली इतने सालों से दुआ कर रही थी कि मुझे इनके साथ काम मिल जाए, तो लगता है दुआ पूरी हो गई फाइनली. और आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस वेब. और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने पहले ही अपना मन बना लिया था कि चाहे वो मुझे जो भी नरेट करे, मैं उसके अंदर कुछ भी हूँ, मैं ये वेब कर रही हूँ. और मुझे इतना याद है कि मैं गई और मैं नरेशन सुन के आई और मैं अंदर ही अंदर सोचूँ क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ये वेब, मत टाइम वेस्ट करो मेरे पीछे, मुझे मत सुनाओ. और मैं इतनी लॉस्ट थी कि मैं घर वापस आ गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो वेब का नाम ही नहीं पता है. फिर मैंने वापस इन्हें कॉल किया, मैंने कहा अच्छा वेब का नाम क्या बोले, स्पेशल ऑफ. मैंने कहा अच्छा अच्छा. एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा नीरज जी. इट्स अ मैन ऑफ नॉलेज कि आप डिस्कस कर ओके. तो इट्स अ मैन ऑफ नॉलेज नीरज जी एंड ही इज़ वेरी क्लियर. और उनको इतना अच्छा पता कि ये कैरेक्टर से क्या चाहता है. तो वो जैसे वो एक्सप्लेन कर दिया मेरे लिए, तो अब उतना रिसर्च और मतलब मेहनत करना नहीं पड़ा मेरे लिए, तो इसीलिए तो वो बहुत ही इजी रहा. काम करने नीरज जी के साथ मेरे लिए एक सपना था और अब तक सपना है. मैं दो बार काम किया उसके साथ और चाहता हूँ कि हमेशा काम करूँ उसके साथ. एंड दैट्स इट. सर यू नो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही लकी साबित होता है हमेशा से, यू नो चाहे वो टिकटॉक पर हो या फिर अब ये सोशल मीडिया पर ये वेब सीरीज हो. क्या लगता है सोशल मीडिया के साथ एक अच्छा वाला कनेक्शन है इसीलिए लकी साबित होता है आपके लिए? आई डोंट नो, आई थिंक कहीं ना कहीं जो लोग आपको काम, जो आपका काम देखते हैं, चाहे वो मेरी रियलिटी शोज़ हो या मेरी मूवी हो या शायद ये वेब हो, इनसे कनेक्ट करके वो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं. इसके लिए वो मेरे सोशल मीडिया को आके मेरा पेज फॉलो करते हैं ताकि वो मुझे जो फील करते हैं कॉमेंट लिख सके, ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ और मैं जान सकूँ कि लोग क्या सोचते हैं काम के बारे में. सोशल मीडिया बहुत बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आज की तारीख में वो इतना पावरफुल हो गया है कि आप अपने जो इमोशंस है, जो एक्सप्रेशन है या कोई चीज़ को लेके जो मुद्दे हैं जिनके लिए आप स्टैंड करती हो, आप बिलीव करती हो, आप आपकी सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर सकती हो. बिकॉज़ आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी फैब्रिकेट नहीं होगा. ये कहते हैं ना सीधी ज़बानी, जब आप लोग आपके मुँह से ही सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हो. बिकॉज़ कभी कभी कुछ चीज़ें कुछ लोगों को बोलने डर लगता है, पता नहीं कैसे प्रेजेंट करेंगे, और यू नो उसी चीज़ को अगर आगे पीछे एक दो एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया तो शायद सुनने में कुछ अलग लगेगा. तो इसके लिए आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स की बातें, बहुत मज़ा आता है क्योंकि आप यू नो जब रेगुलर काम नहीं करते तो आपके पास फ्री टाइम भी होता है बहुत सारा, तो आप चाहते हो कि उसे यू नो ऑडियंस के लिए मैं कितना फ़ोटो डालूंगी, लोग फोटो देख देख के बोर हो जाते हैं ना. तो इसके लिए मैंने कहा चलो वीडियोज़ बनाते हैं, छोटे छोटे कॉन्टेंट बनाते हैं. इसीलिए मैंने ये सभी टिकटॉक और ये सब करना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ और ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता है. वेल आई थिंक जो भी कहा है सच कहा है और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है. और मैं बेवकूफ़ बन गई, मैं नहीं चाहती कोई और बेवकूफ़ बने. और ये मेरा अवेयरनेस हर उन लड़कियों के लिए है जो ये ऐसी सिचुएशन से गुजरती है और जो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी है. बिकॉज जब मैं बाहर आई और जब लोगों ने मुझे टेक्स्ट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मतलब मुझसे भी दुखी बहुत लोग बाहर हैं. तो आई थिंक तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात सिर्फ एक छोटे से मुद्दे की नहीं है बट असलियत बाहर लाने की है. और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई दूसरी सना खान इन द मेकिंग हो. दैट्स इट. थैंक यू. नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ. यू नो जस्ट वर्किंग विथ नीरज पांडे और एन एस्पिनाज थ्रिलर इज इट्स अ लॉट ऑफ फन. और आई थिंक हर एक एक्टर की इच्छा होती है टू डू एक्शन. और इस शो में बहुत सारा एक्शन है, बहुत बड़ा सस्पेंस है. ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन हंट रही है 19 साल की. तो बड़ा एक्साइटेड हूँ. इट्स हेडेड बाय हिम्मत सिंह who hires me, who's my character is Farooq Ali, to find this missing guy. And ye jo lambi journey rahegi
ये देखने लायक रहेगी, तो 17 मार्च को जब आएगा ज़रूर देखिएगा। आई रियली होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा, फील है, वाइब है, मज़ा आया, नाइस। हाँ जी जी, तो मेरा कैरेक्टर का नाम फारूक अली है। क्या मटका के आपने पूछा है, सही सवाल पूछा। मेरे कैरेक्टर नेम फारूक अली है। ये एक रॉ एजेंट है जिसे एक बहुत छोटी उम्र में जो रॉ के हेड हैं हिम्मत, वो पकड़ लेते हैं और मतलब उस पर रिसर्च करने लग जाते हैं कि इस लड़के में कुछ है कि ये बड़ा होकर रॉ एजेंट बन सकता है। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मौके पर वो मुझे पकड़ लेते हैं जहाँ पर मैं मेरा जो कैरेक्टर है वो सुसाइड कमिट कर रहा है, और वहाँ से वो मेरे को पकड़ के रॉ एजेंट की फील्ड में डाल देते हैं। एंड ही ट्रेन्स मी टू फाइंड दिस वन मिसिंग मैन दैट दे हैव बीन फाइंडिंग फॉर आई थिंक एट दैट टाइम 9 years, एंड दैट्स द होल शो एंड दैट्स माई कैरेक्टर। दैट्स एज मच एज वी कैन टॉक अबाउट राइट नाउ। यू हैव सीन द ट्रेलर। एज फार एज माई कैरेक्टर गोज, यू नो रॉ एजेंट की एक हमारे माइंड में एक छवि रहती है कि रॉ एजेंट होगा बहुत ही हार्ड होगा, टफ होगा, बॉडी वॉडी होगी, बहुत ही स्लिक होगा। इनफैक्ट जब मैं नीरज सर से मिला तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो रॉ एजेंट होता है वो जितना स्टैंड आउट करे उतना मुश्किल हो जाता है, जितना वो ब्लेंड इन करे उतना वो ज़्यादा अंडर कवर रहता है। तो दैट्स द प्रेपरेशन दैट आई रियली हैड टू गो थ्रू टू काइंड ऑफ अपने आप को जितना मैं टोन डाउन कर सकूँ, जितना यू नो लाइक जो एक बेसिक इमेज लोगों के माइंड में है मेरी एज कारण, उसको निकाल के कि आई लुक लाइक आई कैन ब्लेंड इन टू एनी बडी, बिकॉज माई कैरेक्टर गोज थ्रू अ वेरी लॉन्ग आर्क। इन दैट आर्क ही इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पर्सनैलिटीज, ही इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग नेम्स, आइडेंटिटीज़। सो टू प्ले ईच एंड एवरी आइडेंटिटी विथ फ्लेयर इज व्हाट आई हैव टू रियली वर्क एट। हाँ जी जी, एब्सोल्युटली देर इज नो डिनाइंग इट, आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग एग्जैक्टली लाइक दिस। आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड, आई कुडंट बी मोर प्राउड ऑफ दिस डिसीजन ऑफ माइन दिस मोमेंट टुडे, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि इतने टाइम से हम सारे हश हश हैं, क्योंकि वी वॉन्टेड कि एक बार पूरा प्रोडक्ट जब रेडी हो जाएगा तब जाके आप लोगों के सामने, दर्शकों के सामने लेकर आएंगे, और आज वो मौका आया है टू काइंड ऑफ डू द पोस्टर लॉन्च जो आज सुबह हुआ है। आज आपने टीजर देखा है, ये पहला टीजर है, ट्रेलर है, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। यस, राइट, इट्स अ लॉट ऑफ फन, यू नो इट्स फैंटास्टिक हाउ वी मैनेज टू गेट सो मेनी डिफरेंट एक्टर्स टू वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट होता है कि इतने सारे नामचीन एक्टर को एक प्रोजेक्ट मिलाना। पर क्रेडिट गोज टू नीरज पांडेज राइटिंग, कि हर एक एक्टर को उतना यकीन है कि मेरा जो भी पार्ट होगा शो में वो बहुत अहम होगा, शो से बहुत मायने रखता होगा। तो बहुत मज़ा आया, इनफैक्ट मैं ज़्यादा मज़ा नहीं कर पाया बिकॉज मैं हर दिन शूट कर रहा था अनफॉर्चुनेटली, और यू नो आई वाज कॉन्स्टेंटली मैं एक सीन से दूसरे सीन में जंप कर रहा था। पर एक्टिंग का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि आपको बहुत सारे एक्टर्स के साथ, अलग अलग एक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला। एक ही दिन में आई यूज्ड टू शूट विद 4 different people, सो व्हेन यू शूट विद दैट रेंज इट्स अ लॉट ऑफ फन काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग ओन टैलेंट। अनफॉर्चुनेटली मैं जैसे के सर का बड़ा फैन हूँ, मुझे विनय पाठक जी बड़े अच्छे लगते हैं, दिव्या दत्ता मेरे को बड़ी अच्छी लगती हैं, परमीत सेठी बड़े अच्छे लगते हैं, बट मैं मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये इंडिया टीम है, ये इंडिया यूनिट में थे, हम सारे इंटरनेशनल क्रू यूनिट में थे। मेरा एक मेरे दो सीन है के सर के साथ जो मुझे बड़ा मज़ा आया करने में, एंड या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, एंड रीजन शी इज़ अ सरप्राइज इन द वेब, एंड सो आई कांट रियली टॉक मच अबाउट इट, लेकिन आई एम सुपरबली थ्रिल्ड अबाउट इट। और स्पेशली इसलिए ना सिर्फ कि रोल बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए कि 7 साल के बाद मैं दोबारा नीरज के साथ काम कर रही हूँ, और मेरे बहुत ही पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक। एंड स्पेशल 26 को भी बहुत ज़्यादा, 26 को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला जी। अब इससे कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, क्योंकि यू नो स्पेशल भी यू नो उतना ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ, बट बिल्कुल अलग रोल्स हैं। When something is titled special, it has to be special, yeah. So it is very special for me. और इसमें मज़ा यह है कि मैं जब when I think about shooting for this, there's always a big smile on my face, because ये एक ऐसा project था जहाँ पर ना मैंने role पूछा
ना मैंने कहानी पूछी, नीरज जस्ट कॉल एंड से दस समथिंग नाइस फॉर यू, आई सेड आई एम कमिंग, बिकॉज वो जहाँ आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि द डायरेक्टर नोज वॉट ही इज गेटिंग फॉर यू, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ उस डायरेक्टर को एज अ पेरेंट फॉलो करते हो एंड बिकम अ चाइल्ड. सो इट वॉज ग्रेट टू बी अ चाइल्ड ऑन द सेट. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा बाबा, क्योंकि मैंने हर तरह की फिल्में की, उनमें से बहुत सारी ऑनसेंबल रही हैं, तो ऐसे तो घूमने का बहुत तरीका, अगर इजारा कर सकती हूँ तो फिर, और उसमें से आज तक याद रखी जा सकती हूँ, तो फिर वो एक मेरे लिए एक एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे लगा मैं बिल्कुल घूम जाऊँगी, लेकिन पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर वीर ज़ारा. तो आई थिंक आप जितने मर्ज़ी लोगों में हो, कहानी अगर अच्छी है, आपका रोल अच्छा है और आपने उसे बड़े दिल से निभाया, तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ आप दिखें, अगर आप ही दिखेंगे तो कहानी कहाँ होगी. थैंक यू. आपने स्लीपिंग पार्टनर देखी? आपने शीर कौरमा का ट्रेलर देखा? गुड गुड, अभी बात करो. सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपको, तो कोई स्पेशल कनेक्शन है सोशल इससे, प्लेटफॉर्म से? कुछ नहीं, यार लोग प्यार करते हैं, इट्स गुड. यही कनेक्ट बन जाता है, व्हेन पीपल लाइक यू दे अप्रिशिएट यू, उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनका आप जवाब देते हैं. थैंकफुली आई एम नॉट ट्रोल्ड दैट मच, सो आई फील नाइस अबाउट इट. ट्रोल मैम, डरती तो मैं लाइफ में किसी से नहीं हूँ यार, पंजाबी हूँ. लेकिन खामखा की बैड न्यूज़ नहीं चाहिए ना, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं वो आपको ट्रोल कर रहे हैं, इतनी अटेंशन टाइम क्यों दें किसी को, वो अपने पे बताएंगे ना वो टाइम. ओके दिव्या, जैसे कि हर एक पिक्चर एक दिल में एक यू नो एक याद छोड़ जाती है, तो इससे रिलेटेड कोई एक याद जो आपको हमेशा याद रहे शूट करने के टाइम पे, ऐसा कुछ याद रहो आपको? मुझे याद है कि इतने सीरियस सीन मैंने सारे हंसते हंसते किए हैं ऑफ द सेट, बहुत इन्जॉय किए, और मैं मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं क्या कर रही हूँ, एंड देन व्हेन आई सॉ इट ऑन स्क्रीन आई वाज ब्लोन, इट वाज लाइक ये करके आई मैं, बिकॉज उसका ड्रामेटिक इफेक्ट इतना है, और किसी ने आपको, और द ब्यूटी ऑफ द डायरेक्टर्स कि उन्होंने आपको इतनी एफर्टलेसली आपसे काम कराया कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या कर दिया. सत्रह मार्च को हॉटस्टार वीआईपी पे आपको स्पेशल ऑफ्स देखने को मिलेगी. मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी प्लीज़ देखिए, बिकॉज हर चीज़ आप पहले डिसाइड कर लेते हैं, उसका पोस्टर खुद देख लें, आई एम श्योर आप एक नहीं चार चार बार देखेंगे सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक्स. कांग्रेचुलेशंस फॉर द सीरीज. थैंक यू. द ट्रेलर लुक सो प्रॉमिसिंग, टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, हाउ प्रॉमिसिंग द कैरेक्टर यू प्लेड वाज फॉर यू? Not only the trailer, even the series is very promising, let me say that. And my character is beautifully written. It's has a lot of beautiful, delicate nuances. And the relationship which Himmat and Saroj have is just fantastic. I absolutely, thoroughly enjoyed playing this. And I got a chance to work with KK, which is, I think, phenomenal, because he's such a big actor and he's got an immense body of work. So I was a little nervous. But he's really, really very supportive and wonderful to work with. I loved it. Right, right, right. And also working with Neeraj sir, you know, and we can expect something big from him, you know. Because not can, it is, when it's Neeraj Pandey, it's only big and it's only mammoth and it's spectacular, like you said in the trailer, visually and content-wise, it's going to be a blockbuster. And aapne apni shikayat to already kar di hai. Exactly. Kar liya, right? So I hope he takes it very seriously. I'm going to take him up for it. Okay, so second season wali baat aapne kahi hai, to kuch baat nahi nahi ji, maine aise hi kaha, mera interest dekhte hue maine ye kaha, mujhe nahi pata whether season 2 is coming or no, but I wanted to do action, so I mentioned it. That's it. That's it. Yes. Okay, so tell us something about, you know, how was it working with the other cast, you know, multi-star cast? Yes. So how much fun it is to work with multi See, for us it's fun because it's we are so many of us, right. But for the director, who is the you know, the main anchor of the ship, oh my god, he goes crazy because we are so many of us. And but it was wonderful. It's got some all of them are phenomenal in their own respective spaces, and it was really, really good. He had a tough time. Neeraj ji and Shivam sir had a tough time to control everybody. And also, you know, we are seeing you after long after very long, you know? Yes, after almost 2.5, I think 3 years. Yeah, that's a long so time. What made you wait so long, you know? We really missed you.
Thank you. That's so sweet of you. I feel very overwhelmed and feel very happy when I receive this kind of love. And no, it was not a conscious decision. It was just that, you know, my body of work has always been really, really strong. And I want to maintain that as much as possible. So the break was not conscious. It's just that I didn't get anything interesting enough for me to say yes to. Though I was offered a lot of work, but I consciously said, I'll wait. And thank God I waited, because had I not been free, I wouldn't have had this opportunity. So, you know, everything works for the best, I guess, at the end. उसमें मैं नहीं बिजी थी, वो बिजी थे बिकॉज वो डाइट कर रहे थे और वो मैंने कुछ भी नहीं हेल्प की. बिल्कुल नहीं. आपको लगता है उनको देख के कि वो किसी की सुनते हैं? नहीं ना, नहीं ना, जस्ट जोकिंग. नो नो, ही इज डन इट ऑल बाय हिमसेल्फ. उनके खुद का मोटिवेशन था, उन्होंने तय किया था कि उन्हें करना है, तो इसलिए उन्होंने किया. लोग पहचान नहीं पाए जब फर्स्ट फोटो आया तो? जी मैंने भी नहीं पहचाना. नहीं इतना मोटिवेशन कैसा है, मतलब थोड़ा सा अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताए. राम सर तो बात राम सर तो बात नहीं करते हैं ना, तुम मुझसे बुलवा लो. अच्छा अच्छा. नो एक्चुअली ये उन्होंने तय किया था कि पर वो इतना बिजी थे काम में कि इतना ड्रास्टिक वेट लॉस करने के लिए उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए था. तो उन्होंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि वो एक साल तक कोई काम नहीं करेंगे, और उन्होंने वो किया और उसकी वजह से वो कर पाए. अभी इस साल उनके इतने सारे रिलीजेज़ हैं आप देखेंगे, तो इस साल वो ऐसा नहीं कर पाते थे. तो जो टाइम था एक साल, उन्होंने रखा था अपने फिटनेस के लिए, और आई थिंक इट वाज ड्यू, इट वाज ओवर ड्यू. सी व्हेन यू आर नॉट वर्किंग यू हैव नो चॉइस बट यू हैव टू बी फिट. आई मीन यू नो. सो आपने क्या था, मतलब सलाह कुछ दी कि नहीं, मतलब खाने में मदद की रही, ये बनाती कपूर को खाने में सलाह कोई नहीं दे सकता, वो खुद करते हैं और वो खुद मोटिवेट अपने आप को करते हैं. मैंने सिर्फ उन्हें सपोर्ट किया था, बिकॉज मैं लोगों को लगता है कि ये वेट लॉस करना या जो राम ने किया है वो बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जो मेहनत, जो लगन, जो फोकस उन्होंने दिखाया है, मैं फ़िटनेस फ्रीक हूँ, मैं भी नहीं कर सकती. क्योंकि वो एक साल तक मतलब उन्होंने इतना डेडिकेशन दिखाया है कि हम लोग सब हैरान रह गए हैं, मेरे बच्चे, मैं, और ही हैज़ रियली इंस्पायर्ड मी एंड इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस. सो इट्स अमेजिंग. यू नो, इट्स बिन वेरी वेरी टफ फॉर हिम, वेरी वेरी टफ, एंड वी नो वॉट ही हैज़ गॉन थ्रू. एंड लेट मी गिव क्रेडिट टू माई चिल्ड्रन, बिकॉज दे हैव रियली सपोर्टेड हिम इन दिस जर्नी. बिकॉज फैमिली के लिए बहुत टफ होता है व्हेन वन पर्सन इज गोइंग थ्रू सच अ फोकस्ड यू नो वेट लॉस. It's very tough. We didn't make any plans to go out. We couldn't eat outside and all, because you know he was so motivated that it was tough even for my kids. So ekta ma'am ne bhi tweet kiya thi, to kya kehna chahenge isko leke, matlab ekta ma'am bhi kafi hairan ho gayi thi. ये ड्यू था, ये करना ही था उन्हें, आज नहीं तो कल ही होना ही था, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर हिम टू लूज वेट एंड ही इज डन इट. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. सबसे पहले तो यू नो बहुत लोगों से सुना होगा आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस ट्रेलर, बहुत ही प्रॉमिसिंग है. और आपका कैरेक्टर, हाँ जी हाँ, आपका कैरेक्टर, अगर हम आपकी कैरेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही सीधे साधे से दिख रहे हैं, लेकिन है बहुत ही बड़ा कैरेक्टर. टेल अस समथिंग मोर अबाउट. ये किरदार का नाम है हिम्मत सिंह, और वो चीफ एनालिस्ट है, RANW में काम करते हैं, और उनकी अपनी एक थियोरी है जो एक पॉइंट के बाद किसी को विश्वास नहीं होता कि वो थियोरी सही है या गलत है. लोगों को लगता है कि मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है ये हो, लेकिन वो लगा रहा उसमें 19 साल तक लगा रहा, और 19 साल के बाद क्या वो थियोरी सच में निकलती है या नहीं निकलती ये कहानी है. उस दौरान क्योंकि 19 साल की जर्नी है, वो किस प्रकार से वो आदमी अकेला पढ़ने के बावजूद वो चीज़ पे लगा रहा, ये कहानी है. और इसका स्केल बहुत बड़ा है इस सीरीज़ का, जो आपको ट्रेलर में दिखाई देगा कि बहुत बड़ा है, और एक मैग्नम ओपस काइंड ऑफ फीलिंग आएगा आपको, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक इंडिया में उस प्रकार की वेब सीरीज़ नहीं आई है. तो प्लस नीरज पांडे की राइटिंग है जो बहुत ही टाइट है, बहुत ही उनकी राइटिंग में एक क्षमता ऐसी होती है कि सीरियस मामले में भी हल्का सा एक ह्यूमर आ जाता है. तो वो सारी चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं हमेशा. तो मेरे ख्याल से ये लोगों को बहुत पसंद आएगा,
جہاں تک کاسٹ اینڈ کرو ہے بہت شدت سے کام کیا ہم لوگوں نے, اور اس سے بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے. یگ لگ رہا ہے, ابھی کیا یگ نہیں لگ رہا ہوں کہ میں دیکھیے میں ایکسپیکٹیشن والا آدمی ہوں نہیں, پھل کی اچھا کم کرتا ہوں, کرم کیا جا کرتا ہوں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میرا کرم ہے اس کو میں بہت ہی آنیسٹلی اور ٹروتھفلی پیش کروں, اور ایک بار وہ ہو جائے باقی آڈینس کے اوپر نربھر کرتا ہے کس طرح سے لوگ اس چیز کو لیتے ہیں, لیکن اتنا ہے کہ ہم نے کوئی مطلب یو ناٹ لیفٹ اینی اسٹون انٹرنڈ, تو ہر چیز پہ کام کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو سیریز میں دکھائی دے گا. آپ ہنس رہے ہیں, بتائیے کیا کروں. یہ مدعا جو ہے یہ ابھی فی الحال اس اسپیشل آپس کا مدعا نہیں ہے, تو ہم اسپیشل آپس کا مدعا پہ آتے ہیں بعد میں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو کردار نبھا رہا ہوں, میں اس انسان کو نبھا رہا ہوں, تو مجھے اس انسان کو صحیح طریقے سے پیش کرنا یہ میرا کام ہے, میرا دائتو ہے. تو ایز این آڈینس آپ کو لگتا ہوگا کہ انسامبل ہے اور یہ ہے, ہر کردار جو اس اسپیشل آپس کے اندر ہے اس کی اپنی ایک بھومکا ہے اور اس کو نبھانا بہت ضروری ہے صحیح طریقے سے, اور اس طرح سے سبھی لوگوں نے اپنے کریکٹرس کو اسی طرح سے نبھایا ہوا ہے, تو اسی لیے سب جوڑ کر کے آپ کو ایک میگنم اوپس دکھائی دیتا ہے. ایک چیز اٹھ کے آئے گی کہ بہت بہترین سیریز ہے, میرا کوئی منتر نہیں ہے, میں کام کرتا ہوں فٹنس پہ, تو منتر اتنا یہ ہے کہ آپ میں ایک اسپورٹس پرسن ہوں تو میں اسپورٹس کھیلتا ہوں, اور آپ جہاں تک مینٹل اسپورٹس ہیں وہ میں تھوڑا سا پڑھ وڑھ لیتا ہوں اور فزیکل اسپورٹس بھی کھیلتا ہوں, تو فٹنس کا راز وہی ہے, اور جتنا آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے دیا گیا نا آپ کو اس کا سب کچھ, تو آپ اس کو گرانٹیڈ مت لیجیے گا, تو اس پہ تھوڑا کام کریے گا, آپ کو خوشی ہوگی خود ہی اندر سے, تو وہ ضروری ہوتا ہے, اور بس وہی ہے. ہر کردار میرے لیے الگ ہوتا ہے کیونکہ میں کرداروں کو نبھاتا ہوں, میں رولس کو نہیں نبھاتا, رولس بہت سیمت ہوتی ہیں, 25,000 رولس ہوں گے, ایک کاپ ہوگا, کوئی را ہوگا, پھر کوئی پروفیسر ہوگا, کوئی لائر ہوگا, وہ سیمت ہے, لیکن میں انسان کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو ہمت سنگھ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں اس میں, تو آبویسلی سی بات ہے کہ ہر انسان الگ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر, تو آٹومیٹکلی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, وہ انٹینشن سے نہیں کہ مجھے کچھ الگ کرنا ہے, نہیں, میں اس انسان کو اگر آپ پیش کرو گے تو اپنے آپ الگ ہو جائے گا. ہمت سنگھ کے ساتھ تو میرے آئینے میں ہوا تھا, جب میں شوٹنگ کر رہا تھا, جب آئینہ سامنے آیا تو میں نے کہا اچھا یہ ہمت سنگھ ہے, لیکن کوئی اور, کوئی اور سے نہیں ہوا نا, کیونکہ ہمت میں نے جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے ہمت سنگھ, ایک ہمت سنگھ ہو سکتا ہے جو را کا ہو, اگر ہمت سنگھ نام کا بندہ را میں کام کر رہا ہو, اور ایک ہمت سنگھ ہے جو لائر ہو, تو میں لائر اور را نہیں پرفارم کرتا ہوں, میں ہمت سنگھ کو پرفارم کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو.